दोस्तों, मैं एक फेमस स्कूल में पढ़ाने के लिए गया जो कि एक ब्रांड था। जब मैंने वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया, यानी कि जब मैंने डेमो दिया, तो उस टाइम पे मैंने लेक्चर के दौरान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए, जिसकी वजह से क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे सारे मेरे फैन हो गए और उन्होंने कहा कि सर, हमने आपसे ही पढ़ना है। इसके अलावा वहाँ पर जो फीमेल टीचर्स चार थी जो मेरा डेमो ले रही थी, वो भी मेरी फैन हो गई। और उस दिन अल्लाह की करनी ऐसी थी कि दो टीचर्स छुट्टी पे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर, आपका डेमो तो ओके है, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो इन क्लास में आज सर छुट्टी पे हैं, आप पढ़ा दें। तो वहाँ पर मेरा कोई डेमो नहीं था, वैसे ही उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया। तो मैं जब वहाँ पर गया, वहाँ पर भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए, बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे फैन हो गए और बच्चों ने मुझे कहा कि सर, हमने आपसे ही पढ़ना है, अगर आप कल नहीं आएंगे तो हम प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमने सर इसरार से ही पढ़ना है, उनको बुलाओ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने कहा भाई, ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ गए हैं। और उसके अलावा जब मैं दूसरी क्लास में गया, तो ज़ाहिर है पहले वाली क्लास में कोई और टीचर आ गया, तो इस तरह दो तीन टीचर्स को बच्चों ने ये बता दिया कि एक नए सर आए हैं, सर इसरार, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा तो ज़िंदगी में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमने उनसे पढ़ना है। तो सर भी मतलब फ़ैन जो नए सर थे, वो भी खुश, उन्होंने नीचे प्रिंसिपल को बता दिया कि नए एक सर आए हैं, बड़े बच्चे उनके फ़ैन हो रहे हैं, बड़ा अच्छा टीचर कहीं से ढूंढा। अब जो प्रिंसिपल था वो भी इंप्रेस हो गया, जो फीमेल टीचर्स मेरा डेमो ले रही थी उन्होंने भी बता दिया, कोई एक दो बच्चों ने भी नीचे बता दिया कि हमने सर इसरार से पढ़ना है। अब वो जो प्रिंसिपल था वो हिल गया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड क्या है। मैंने फिर अच्छी खासी डिमांड बताई। आपको अंदाज़ा बता देता हूँ कि जितने वहाँ पर टीचर्स पढ़ाते थे, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी डिमांड बताई। और वो कह रहे थे इतनी तो मैं किसी को भी नहीं देता, और वो सच में इतनी किसी को भी नहीं देते थे। और मैंने कहा नहीं सर, मैं तो इससे ज़्यादा लेता हूँ, मैंने आपको कम बताया है। तो खैर, क्योंकि वो फंस चुके थे और मुझे पता था ये निकालने वाले नहीं है, थोड़ी बहस बूस की, उन्होंने कहा उतनी ही मुझे सैलरी देना स्टार्ट कर दी। और जब मैंने वहाँ पे कुछ अरसा पढ़ाया और कुछ रीज़न की वजह से मुझे कोई काम था, इधर ऑफिस में आना था मैंने, तो मैंने जब छोड़ा तो मुझे कह रहे थे कि सर, आप हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे यहाँ से छोड़ के, अगर आपको कोई सैलरी प्रॉब्लम है या कोई टाइमिंग प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है आप बताएं, हम आपके सॉल्व कर देते हैं। यानी कि प्रिंसिपल भी मेरे फैन थे, मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से छोड़ा। तो दोस्तों, मैंने क्या ऐसे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किया जिसकी वजह से पूरा स्कूल ही मेरा फ़ैन हो गया। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस स्कूल में जाने से पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले मैंने ICS के एग्ज़ाम दिए थे और मैं बिल्कुल फ्री था। उन 3 महीनों में मैंने क्या किया वो अब गौर से सुनिएगा। ये पहला पॉइंट है, पहला टिप है, ट्रिक है, जो भी आप समझ लें, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, उन 3 महीनों में मैंने पहले दिन सोचा, जब मेरे एग्ज़ाम हो गए, मैं वेला था बिल्कुल, मैंने सोचा कि यार सरार, तुझे टीचिंग करनी है, तेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और तुझे बच्चों के पढ़ाने की स्किल्स भी नहीं आती, बच्चे चुप कराने नहीं आते, बच्चों के नोट्स चेक करने नहीं आते, वाइट बोर्ड पर लिखना नहीं आता, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो टीचिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने सोचा कि जो मोहल्ले में छोटी मोटी अकेडमीज़ हैं, जहाँ पर एक दो बच्चे एक क्लास में होते हैं, तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर ही पढ़ा लेता हूँ। तो मैंने कुछ 2-4 CVs बनवाई और फोटोकॉपीज़ उनकी उनमें जमा करवाई और मैंने स्टार्ट किया एक दो बच्चों से पढ़ाना। तो मैंने जब एक दो बच्चों से पढ़ाना स्टार्ट किया तो शुरू में मेरी टांगे कांपी और मुझे डर लगा, लेकिन मेरा मकसद कॉन्फिडेंस बढ़ाना और स्किल्स सीखना था टीचिंग की। तो मैंने जब उनको पढ़ाया तो शुरू में एक दो दिन डर लगा, फिर मेरा डर खत्म हो गया। इसी तरह फिर दूसरी अकेडमी में गया, तकरीबन यहाँ पे 10-15 दिन पढ़ा के जब मुझे लगा कि बस बड़ा हो गया, जहाँ पे 3-4 बच्चे थे, शुरू में डर लगा फिर उतर गया, फिर इसी तरह 5, 10, 15, तकरीबन मैं 20 बच्चों की क्लास पढ़ाने के काबिल हो गया इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर। मैं अकेडमी चेंज करता जा रहा था, 10 दिन बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद कोई बहाना लगा देता था, क्योंकि मैंने 10-15 बाद में सीरीज जमा करवा दी थी अलहदा अकेडमीज़ में। तो मुझे मौका जहाँ अच्छा मिलता जा रहा था मैं वहाँ पर जाता जा रहा था, और मेरा सैलरी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं था, और मैंने उनको कहा था आप नहीं भी देंगे तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा। तो इस तरह मैंने 3 महीने जब पढ़ाया तो मुझे लगा कि हाँ इसरार, अब तेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि तेरे सामने अगर 100 भी बच्चा बैठा होगा तो तू उनको पढ़ा लेगा कॉन्फिडेंस के साथ, तुझे कोई डर नहीं लगेगा। अगर 3 की जगह 4-5 टीचर हो, चाहे फीमेल हो, मेल हो, कोई भी तेरा डेमो ले रहे हो, तुझे नहीं डर लगेगा। जब मेरे अंदर दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर मैंने ब्रांड जो स्कूल थे उनमें सीवीज जमा करवानी स्टार्ट की। पहले तो मैं स्टार में गया, उन्होंने मुझे बुलाया, और जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हमें तो MSc वाला टीचर्स चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि सर, आपको डिसिप्लिन क्लास में चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, और इसके अलावा बच्चे सेटिस्फाई होने चाहिए ना आपके। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चे सेटिस्फाई होने चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। तो मैंने कहा सर, आप मेरे अंदर टैलेंट है, मुझे एक मौका दे दें प्लीज़। तो उन्होंने कहा चलो आपको मौका दे देते हैं, चल ठीक है। तो उन्होंने जब मुझे मौका दिया तो फर्स्ट टाइम था और बच्चे भी क्लास में तकरीबन 40-50 थे,
मेरा कॉन्फिडेंस तो 100 का था, लेकिन मैंने पढ़ाया तो अच्छा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रेकी में पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया, यानी कि और कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। इसके बाद मैं एक और बड़े स्कूल में गया, जिसका मैंने अभी आप लोगों को बताया है। जब मैं उस स्कूल में गया तो उन्होंने भी यही बात की कि हम MSc वालों को रखते हैं, तो मैंने उनको यही सेम बात की, तो उन्होंने मुझे मौका दे दिया। जब उन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने कहा तो उनको 9-10 का था, लेकिन वो थोड़े नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे। बाद में 9-10 भी दे दी थी, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन शुरू में उन्होंने कहा कि हम आपको 6th class दे रहे हैं, वहाँ पर आप डेमो दो, हम आपको देखते हैं। तो मैं भाई अगले दिन गया 6th class में, वहाँ पे 4 female teachers खड़ी, जो मैंने आपको अभी बताया, और वहाँ पे 70 स्टूडेंट, पहले तो 50 थे, अब 70 हो गए। मैं घबराया नहीं, क्योंकि मेरे पहले ही जहन में था कि 100 भी हुआ तो मैं पढ़ाऊँगा, और मैंने 5 female teacher या मेल टीचर का सोचा था, तो 4 निकली, फिर भी मैं खुश था कि वैसे 70 बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने खुद को हौसला दिया हुआ था, इसलिए मैं बच गया। तो यहाँ पे भी आपको एक बात सीखने को मिलती है कि अपने माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं जाने देना कि 70 देख के डर गए कि वो हुआ तो 70 है, नहीं पढ़ाया जाना। ऐसा डरना नहीं है देख के, कि जितने भी होंगे अपने आप को कहना कि पढ़ा लूँगा यार, कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा फेल कर देंगे, नए स्कूल में चला जाऊँगा, खैर है, तो ये सोच के आपने पढ़ाना, तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप क्या पढ़ाएंगे, मैंने कहा जो मर्जी आप कह दें मैं पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मुझे पता था 6th class है, ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है, जो भी कहेंगे पढ़ा देंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस था ही मुझे। ICS क्या होता है, 6th तो बच्चों वाली क्लास होती है। तो उन्होंने कहा सर आप बता दें, मैंने कहा मैं मैथ करवाऊंगा, मैथ के कुछ LCM वाले क्वेश्चन थे, मैंने एक करवाया, ठीक है, जब समझा दिया, जब मैंने दूसरा करवाया, अब ये पॉइंट समझिएगा जो कि बहुत काम आया, जिसकी वजह से टीचर्स भी मेरी फ़ैन हो गए और बच्चे भी। तो मैंने उनको कहा कि जी अब मैं सवाल यहाँ पर लिखूँगा, करूँगा तो मैं ही, लेकिन पूछूंगा आपसे, बताओ। मैंने एक बच्चे से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, इस तरह जब मैंने 4-5 बच्चों से पूछा, बच्चों ने बताया, मैंने उनको शाबाश दी, वेरी गुड, मैंने कहा यार आप तो बड़े लाइक हो माशाल्लाह से। जब मैंने उनको ऐसा कहा तो बच्चे भी बड़े खुश हो गए। इसके बाद मैंने तीसरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर नहीं किया, बच्चों को कहा कि जो बच्चा जल्दी क्वेश्चन करेगा और सही करके दिखाएगा सबसे पहले, उसके लिए क्लास में मैं क्लैपिंग करवाऊँगा। तो दोस्तों मैंने ऐसा ही किया, मैंने उनको क्वेश्चन दिया, बच्चों ने दस्ती करके दिखा, जो मुझे लगा कि इसने सबसे पहले किया मैंने उसका चेक किया और उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करवाई। तो बच्चे कह रहे थे कि सर मैंने पहले किया था, मैंने कहा चलो दोबारा दे देता हूँ कोई और सवाल, मैंने और दिया, वो भी बच्चों ने करके दिखाया, फिर एक दो बच्चों के लिए फिर क्लैपिंग करवाई। अब मिस देख रही कि हम तो कभी कभी क्लैपिंग करवाते हैं, ये कहाँ से आ गया, क्लैपिंग ही करवाई जा रहा है, कोई 2-3 दफा तो इतने क्लैपिंग ही करवा दी है। मिस ने पूछा कि आप कहीं पढ़ाते रहे हैं सर, मैंने कहा हाँ मिस, मैं ये बड़े बड़े जो ब्रांड हैं स्टार, इसके अलावा और जो स्कूल हैं, इनमें मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया, इसके अलावा बहुत सारी अकेडमीज हैं वहाँ पर मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर कह दिया कि अगले बंदे को समझ भी आ जाए और ना भी आए, उसको लगे कि शायद वहाँ पे पढ़ाता रहा। तो मैंने आपको बताया कि स्टार में तो मैं नहीं कामयाब हो सका था, लेकिन मैंने फर्स्ट लेक्चर कह दिया और मिस को लगा कि वाह ये तो ब्रांड में पढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा मैंने कहा और बड़ी अकेडमीज में मैंने पढ़ाया, डिफरेंट लेक्चर पढ़ाता हूँ, वैसे मैं 9th, 10th और 1st year, 2nd year को पढ़ाता हूँ, ये छोटे मोटे बच्चों 6th class को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इनकी गुड लक है कि इनको मौका मिल गया मुझसे पढ़ने का। मिस बड़ी हैरान और इम्प्रेस हुई कि वाह ये तो बड़े ब्रांड में पढ़ाते हैं, मैट्रिक FSC को पढ़ाते हैं, ये छोटे बच्चे तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है ये तालियां शालियां ऐसा चलता हो, क्लैपिंग का सिस्टम। तो वो जो बाकी टीचर्स देख रही थी वो भी इम्प्रेस, यानी कि वाह सर कोई मतलब ब्रांड से पढ़ा के आए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं, स्टूडेंट भी फैन के सर तो अच्छे हैं, शाबाश देते हैं, क्लैपिंग करवाते हैं, मज़ा आ गया। तो दोस्तों इसके बाद जैसे ही मेरा डेमो हो गया तो मिस ने कहा कि सर ये एक इंग्लिश का पैराग्राफ है, ये आप पढ़ा दें, अगर आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, हम बस जा रही हैं। तो मैंने कहा ये इसके मुश्किल लफ्ज़ के जो मतलब हैं एक दो मैं पूछ लेता हूँ, मैंने दस्ती पढ़ा और 2-4 बीच में नहीं समझ आ रहे थे, मैंने पूछ लिए, और मिस ने कहा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, मैंने कहा मिस वैसे ज़रूरत नहीं है, चलो लिख लेता हूँ। हालांकि मुझे ज़रूरत थी, मुझे पता था मैं भूल जाऊँगा, लेकिन मैंने ऊपर से वैसे कह दिया कि वैसे ज़रूरत नहीं है, कहती हैं तो लिख लेता हूँ। वो मैंने दस्ती लिख ली है और वो मिस सारी चली गई। अब क्लास में मैं था और स्टूडेंट थे, मैंने वो जो पैराग्राफ पढ़ाया वो था मंशियात के बारे में, यानी कि ड्रग एडिक्शन, नशे के बारे में। तो उस टाइम पर ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि नशेई का, तो मैंने बच्चों को सुनाया, बच्चे बहुत हंसे, और उसके बाद तो बच्चे फैन कहते आज तक हमें ऐसा सर नहीं मिला जो पढ़ाने के साथ साथ लतीफे भी सुनाता हो, एंटरटेन भी करता हो, हमें बहुत मजा आया सर आपके साथ, हम फ्रेश होकर पढ़ रहे हैं, समझ भी आ रही है, हमने आपसे ही पढ़ना है, आप नहीं पढ़ाएंगे कल नहीं आएंगे तो हम प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे, उनको कहेंगे कि सर को वापस बुलाओ। इसी तरह जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि फिर मैं दूसरी क्लास में गया, वहां पर इसी तरह मैंने पढ़ाया, बच्चे फैन हो गए, फिर इसी तरह तीसरी क्लास में,
जब ये प्रिंसिपल तक पहुंची तो मैंने बताया प्रिंसिपल इंप्रेस हो गया, फिर सैलरी मेरी मर्जी की लग गई, जब छोड़ा उस वक्त भी नहीं मुझे छोड़ने दे रहे थे। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस एक्सपीरियंस से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो वीडियो में जस्ट शॉर्ट आपको बताया, अगर मैं ज़्यादा लंबा बताता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं टीचिंग के रिलेटेड या पूछना चाहते हैं कोई टॉपिक तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।